नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेशनल न्यूज 10 में। चलिए बात करते हैं बलरामपुर की, जहां बारात में गई 16 वर्षीय युवती के बलात्कार के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 साल की युवती अपने गांव शेख में एक शादी कार्यक्रम में गई हुई थी। वहीं 3 युवकों की नजर उस लड़की पर पड़ी और उससे यह बात करने लगी। लड़की को घुमाने के बहाने बांध की ओर ले गए। रात भर होने के कारण लड़की के साथ बलात्कार की घटना को लेकर लड़कों के दौरान अंजाम दिया गया। वहीं आपको बता दें कि कोरवा जनजाति के लोगों को 4 महीने से राशन न मिलने की वजह से भटक भटक रहे हैं। ग्रामीण छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक परिवार को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहा है, लेकिन सेल्समैन के द्वारा कोरवा जनजाति के राशन के हक पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकास खंड का है। बता दें कि हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र के गगन नहर पटरी पर बने मजार को आज एसडीएम परण सिंह राणा की मौजूदगी में जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। मजार हटाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवक सलेमपुर, दादूपुर, गोविंदपुर, जमालपुर, बहादुरबाद व आसपास के गांवों से मौके पर पहुंच गए और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं बिजनौर में बिजली की एसटी लाइन की चपेट में आकर 2 टेंट कारोबारों की दर्दनाक मौत हो गई है। चंद दिन की सजावट के दौरान कारोबारियों की सजावट करते समय अचानक से करंट लग गया था, जिसकी चपेट में आकर दोनों कारोबारियों की मौत हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। दरअसल जनपद बिजनौर के नजीवाबाद थाना क्षेत्र के नादंगकार इलाके में एक जन्मदिन के मौके पर 2 कारोबारी टेंट की सजावट कर रहे थे। अचानक से टेंट में बिजली की हाईटेंशन लाइन का करंट आने से 2 टेंट कारोबारियों पपरेंद और पंकज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में नदी के पुल के नीचे पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। युवक का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र फैली सनसनी। सूचना पहुंची स्थानीय पुलिस युवक के शव शिनाख्त करने में जुटी नहीं। वहीं बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव भोगपुरवा कुआखेड़ा को होकर निकलने वाली शारदा नदी को लेकर आसपास के गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसका ग्रामीण और प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक महापंचायत का आयोजन किया और केंद्र सरकार से प्रस्तावित नए प्रोजेक्ट को लेकर लोग सदमे में हैं। लोगों का मानना है कि शारदा नदी के निकलने से आसपास की आबादी उसकी चपेट में आ रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्वे पूरी तरह से जनहित में नहीं है। इसी को लेकर सिख समुदाय व क्षेत्र के अन्य सभी लोगों ने गुरुद्वारे में एक क्षेत्र के लोगों की बैठक बुलाई और उसमें कमेटी बनाकर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने का निर्णय किया है। हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 16,800 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहितों का एक विशेष दल 10 जून को रवाना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से होकर गमसाली निकलेगा। इस पर्वतारोही अभियान का समापन 17 जून को गमसाली में किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना के अलावा कई उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। इस दल का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकना है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में साहस के खेलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके।
वहीं आपको बता दें कि एक और सरकार की मोटर मार्गों के लिए विभिन्न स्वर्णी योजनाएं चल रही हैं, तो वहीं आज भी देश में न जाने कितने ही गांव मोटर मार्ग की सुविधाओं से वंचित भी चल रहे होंगे। यहां हम इस बात को पुख्ता रूप से इसलिए कह रहे हैं कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधानसभा और विकास खंड गैरसैंड का एक गाँव है किरतौली, और जहाँ जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि उनका गाँव अम्बेडकर ग्राम है, लेकिन उनके गाँव के चारों ओर के गाँव सड़क मार्ग से जुड़ रखे हैं, लेकिन उनकी वर्षों से चली आ रही मोटर मार्ग की मार्ग को हमेशा अनदेखा किया जाता है। आज मोटर मार्ग से वंचित अंबेडकर ग्राम गिरतौली की महिला मंगल दल एवं ग्रामीणों ने गांव में सांकेतिक रूप से जुलूस निकाला और धरना देकर पुनः मोटर मार्ग की मांग की है। जनपद चमोली के जोशीमठ हेलंग के पास नदी में फंसे व्यक्ति को पुलिस व एसडीएमआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर सकुशल वापस लाया गया है। शनिवार को ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नदी पार कर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर व्यक्ति को रस्सी के सहायता से वापस लाया गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह नदी के पार चला गया था और वापस आने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पुलिस और एसडीआरएफ ने बताया कि यह मजदूर सड़क निर्माण कर रही एक संस्था में मजदूर का काम करता है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरगढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से 15 जून तक प्रत्येक शहर के अधिकांश जनपदों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी 11 तारीख से, और 11, 12, 13 में अगर 3 दिन 4 दिन बात करेगा, 14 तक भी जो है, तो जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी करीब करीब कुछ जगहों में जो है 11, 12, 13 में वो रहने वाली है। 14, 15 में हो सकता अनेक जगहों तक भी वो एक्टिविटी मिलेगी। तो अगर कल से बात करें, जो मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, या उससे लगे नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लान वाला एरिया है, तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेंगी, और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक, या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि प्रसिद्ध धर्म गुरु फलसंदे वाले बाबा का 2 दिवसीय शिविर हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। हरिद्वार के शिवली नगर स्थित शिव मंदिर में आयोजित शिविर में बड़ी तादाद में भक्त और श्रद्धालु फुलसंदे वाले बाबा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही मीडिया से बात करते हुए फुलसंदे वाले बाबा ने देश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लंबे समय से लैंड जिहाद का खेल चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने उस पर सख्त रुख अपनाया है। वहीं बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऋषि का अवतार बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता राष्ट्र और मानवता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, चाहे उनका लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, उसका शिकार कौन लोग होते हैं ये सोचे ना। जो पीड़ित हैं उनकी फरियाद को भी तो कोई ना कोई सुनेगा, तो सरकार उस काम को कर रही है, उचित है। पूरा राष्ट्र के लिए वो समर्पित हैं, मोदी जी भी और योगी जी भी। ऐसा ही राजा होना चाहिए, ऋषि आत्मा, जिसके हृदय में सभी की पीड़ा हो। ऋषि से तुलना करी जा सकती है योगी जी की? तुलना नहीं है, ही ऋषि। वहीं हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में शिव मंदिर के पास कई वर्षों पुराना पीपल का पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया है। गनीमत रही कि पेड़ गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर इसकी चपेट में पास खड़ी एक गाड़ी आ गई। पेड़ गिरने का कारण जंजर अवस्था के साथ ही पास में पानी की लाइन का खुदाई होना बताया जा रहा है। स्थानीय पार्षद और निवासियों का कहना है कि यह पीपल का पेड़ काफी पुराना था, जो काफी जर्जर अवस्था में था। साथ ही पास में पानी की लाइन का खुदाई कार्य किया जा रहा था, जिस कारण यह पीपल का पेड़ गिर गया।
पेड़ गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर विभाग की टीम भी पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में सुपर टैंक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है। 300 करोड़ का कर्ज न चुकाने पर बैंक ने चस्पा किया नोटिस। हरिद्वार के सिंकुल स्थित पेटांगन मॉल की दुकानों पर बैंक ने नोटिस लगाए हैं। दुकानदारों की बड़ी मुश्किलें, 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो होगी बड़ी कार्रवाई। बैंक का करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। पेंटागन मॉल पर माल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी सुपर टैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन की अदायगी के लिए दिया गया था। 15 दिन का समय नोटिस के बाद दुकानदार भी हैं चिंतित, क्या बंद हो जाएगा। पेंटागन मॉल वर्ष 2022 से बैंक लगातार दे रहा है मॉल प्रबंधन को नोटिस। 22 जून को होगी पेंटागन मॉल पर कब्जे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि रुड़की के वेल्डा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से ग्रामीण की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पथराव किया है। दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं वीकेंड पर हरिद्वार में वाहनों का रेला आने से हाईवे जाम हो गया है। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे से लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास बाजारों में भी जाम देखने को मिला है। जाम के कारण 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग रहे हैं। जाम के कारण वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जाम खुलवाने में जहां यातायात पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। वीकेंड पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के पर्यटक वाहनों से आ रहे हैं। लक्सर के ठाणा पंचायत में ग्राम प्रधान ने अपने निजी खर्च से स्वच्छता अभियान चलाया और पंचायत फैली पड़ी गंदगी और मेन रोड पर हो रहे अतिक्रमण को भी जेसीबी से हटवाया है। आपको बता दें कि लक्सर विकासखंड के ग्राम पंचायत में प्रधान राजपाल सिंह ने पंचायत में स्वच्छता अभियान को लेकर अपने निजी खर्च से करने के साथ ही प्रदेश सरकार से सभी पंचायतों में सफाई अभियान के लिए अलग से बजट जारी करने की मांग की है। साथ ही प्रधान ने बताया कि सरकार ने इस बार मनरेगा योजना से बजट पर भी पाबंदी लगाई थी, जिससे पंचायतों में सफाई अभियान को सफल बनाना बहुत मुश्किल है। प्रधान ने पंचायतों के प्रतिनिधि से अपील की है। वहीं लक्सर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा एनपीएस निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार से यात्रा लक्सर पहुंची। लक्सर रुड़की तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय शिक्षकों ने यात्रा का अभिनंदन किया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर ही बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार की देर शाम यात्रा लक्सर कस्बे के रुड़की पर पहुंची। इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात किया है। वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा आज 61 निर्धन व अनाथ परिवार की कन्याओं का विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है, जिसमें 39 हिंदू व 22 मुस्लिम कन्याओं का विवाह करवाया गया है। विवाह समारोह को हिंदू व मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया है। इस अवसर पर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि इस बार 61 हिंदू व मुस्लिम समुदाय के युवक युवतियों के विवाह समारोह करवाया गया है और इसी वर्ष अक्टूबर में 101 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और विश्वास है कि ऐसा प्यार आगे भी बना रहेगा। उमेश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम को कुछ लोग राजनीति का नाम दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यह राजनीति है तो मुझे पसंद है और सभी नेताओं को ऐसी राजनीति करनी चाहिए ताकि इस बहाने निर्धन कन्याओं का भला हो और कई पिता कर्ज के तले दबने से बच जाएंगे। एक कोई पशुशाला नहीं है, ना ही किसी भी किसान का खेत या घेर है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। दिखने में तो ये लग रहा है जैसे ये कोई सड़क है। जी हाँ,
आपने सही पहचाना, ये सड़क ही है। ये रास्ता देवबंद से बड़गांव को होते हुए ननौता तक जाता है, लेकिन इस सड़क के बीचों बीच जानवर क्यों बांधे हैं? आप भी यही सोच रहे होंगे, आइए हम बताते हैं। सड़क के बीचों बीच बंधे जानवर और दोनों ओर लगा जाम, ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव महेशपुर का है। बताया जाता है कि महेशपुर में पिछले काफी समय से गौवंश आवारा घूमते रहते हैं। आरोप है कि जब आवारा गौवंश की शिकायत की जाती है तो अधीनस्थ अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। आरोप है कि आवारा गौवंश के किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने आवारा घूम रहे गौवंश को सड़क के बीचों बीच खूंटे गाड़कर बांध दिया है, जिसमें सड़क के दोनों ओर जाम लग गया है। सूचना मिलने पर थाना बड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मवेशियों को सड़क से हटवाया है। बुरहाल में हो भी एक और गौवंश को लेकर सरकार गंभीर है, वहीं दूसरी ओर ऐसी स्थिति देखकर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही सिंगरौली जिले में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सिंगल क्लिक के माध्यम से जिले के 19,04,000 लाडली बहना योजना का लाभ सिंगरौली क्षेत्र के लाडली बहनों को ट्रांसफर किया है। वहीं यह राशि ट्रांसफर करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अभी तो हम इन प्रति बहनों को 1,000 दे रहे हैं, जैसे हमारी अगली सरकार बनेगी हम इन लाडली बहनों को धीरे धीरे बजट बनाकर 3,000 प्रति लाडली बहनों को देंगे। सिंगरौली जिले के युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण इकाई के मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि अब चुनाव के 3 महीने रह गए हैं तो अब इन लाडली बहनों को मुख्यमंत्री को याद आई है, अभी तक मुख्यमंत्री कहां थे। आपको बता दें कि कोतवाली थाना परिसर में विभिन्न धाराओं के तहत वाहन जब्त किए गए हैं। वाहनों के न्यायालयीन आदेश के बाद नीलामी कार्य किया गया है। कोतवाली थाना परिसर में आयोजित नीलामी कार में 15 बोलीकर्ता शामिल हुए हैं। भोपाल के शहीद अहमद उर्जू ने सर्वाधिक 23,007 के बोली के जरिए 96 वाहनों की खरीदी की है। वहीं शमशाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यक्रम करते हुए ग्राम पैगियाई के जंगल से 13 जुआरियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। कार्रवाई के दौरान कुछ जुआरी भागने में भी कामयाब रहे। इस दौरान पुलिस ने जुआरियों से 1,24,260 रुपए जब्त किए हैं। वहीं पब्लिक गेमबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज गढ़वाल ने हरवर्टपुर के निजी होटल में की पत्रकार वार्ता। आज विकासनगर के एक निजी होटल में झवरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज गढ़वाल एवं जिला महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा देहरादून ग्रामीण मंडल के तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए कार्य, खासकर अनुसूचित जाति समाज के लिए किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हरवर्टनपुर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की गई। इस पत्रकार वार्ता में झवरेड़ा पूर्व विधायक देशराज गढ़वाल ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है। 2015 से 2023 के बीच 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।